नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। मेरा नाम है नमन अग्रवाल। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है। राजभवन में राजेंद्र मंडप में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कैबिनेट के कुल 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई। सबसे पहले नीतीश कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कैबिनेट के पहले मंत्री के तौर पर विजय कुमार चौधरी, दूसरे मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, तीसरे मंत्री आलोक मेहता, जबकि चौथे मंत्री के तौर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव और पांचवें मंत्री के तौर पर कांग्रेस के आफाक आलम ने पद की शपथ ली। इसके बाद छठे मंत्री के रूप में अशोक चौधरी, सातवें मंत्री के रूप में श्रवण कुमार, आठवें मंत्री के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र यादव, नवें मंत्री के रूप में डॉक्टर रामानंद यादव और दसवें मंत्री के रूप में लेसी सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं 11वें मंत्री के रूप में मदन सहनी, 12वें मंत्री के रूप में कुमार सर्वजीत, 13वें मंत्री के रूप में ललित यादव, 14वें मंत्री के रूप में संतोष कुमार सुमन और 15वें मंत्री के रूप में संजय झा को राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट की 16वीं मंत्री के रूप में शीला मंडल, 17वें मंत्री के रूप में समीर महासेठ, 18वें मंत्री के रूप में प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, 19वें मंत्री के रूप में सुमित कुमार सिंह और 20वें मंत्री के रूप में सुनील कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। वहीं 21वें मंत्री के रूप में अनीता देवी, 22वें मंत्री के रूप में जितेंद्र राय, 23वें मंत्री के रूप में जयंत कुमार, 24वें मंत्री के रूप में जमा खान, 25वें मंत्री के रूप में सुधाकर सिंह को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। नीतीश कैबिनेट के 26वें मंत्री के तौर पर मुरारी प्रसाद गौतम, 27वें मंत्री के रूप में कार्तिक सिंह, 28वें मंत्री के रूप में इजराइल मंसूरी, 29वें मंत्री के रूप में मोहम्मद शहनवाज अख्तर, 30वें मंत्री के रूप में मोहम्मद शमीम और 31वें मंत्री के तौर पर सुरेंद्र राम ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बता दें कि राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कैबिनेट के कुल 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।